है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। जी हाँ, जब प्यार होता है तो भाई दुनिया में कुछ नहीं दिखता, जब मोहब्बत होती है तो बस दिखती है तो मोहब्बत करने वाली खूबसूरत हसीना, मोहब्बत देने वाली खूबसूरत हसीना। कुछ ऐसा ही हाल हुआ है आप सभी की फेवरेट सलमान खान का, जब दबंग टूर के दौरान सलमान के सामने कैटरीना कैफ की खूबसूरती आ गई। जी हाँ, खूबसूरत लुक के साथ कैटरीना ने अपने डांसिंग टैलेंट से जिस तरह सलमान खान का दिल जीता है, आज हम आपको दबंग टूर के दौरान के जबरदस्त परफॉर्मेंस से रूबरू कराएंगे। किस तरह सलमान के साथ कैटरीना ने डांस करते हुए एक गाने से अपने प्यार का इजहार किया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति बता दूं, आज के स्पेशल प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड में हम बात करने वाले हैं सलमान और कैटरीना के रिलेशन की सच्चाई किस तरह सोशल मीडिया पर ट्रेंड में आ गई है दबंग टूर के परफॉर्मेंस के दौरान, जहां कैटरीना ने सलमान खान को देखकर एक ऐसा गाना गाया जो काफ़ी सारी बातें कह बैठी। सलमान ने कैटरीना को देखकर कुछ ऐसे गीत गाए और गीत के साथ डांस किए जो उनके दिल में कैटरीना के लिए प्यार को बयां कर बैठे। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे सलमान कैटरीना का प्यार किस तरह खुल्लम खुल्ला सामने आ रहा है, सलमान मौका मिलते ही कैटरीना की किस तरह तारीफ करें। जी हाँ, सलमान ने किस तरह से कहा है कैटरीना इज किलिंग ऑन द स्टेज, हम आपको बताएंगे किस तरह मुस्कुराती है कैटरीना सलमान आई लव यू नाम सुनकर ही हर किसी की जुबान पर सलमान की तारीफ सुनते हुए। इसी के साथ हम आपको खास रिपोर्ट में ये भी बताने वाले हैं हाल ही के इंटरव्यू में, जी हाँ दबंग टूर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान कैटरीना जिन्हें बॉलीवुड के अपकमिंग मैरिड कपल के लिस्ट में शामिल होते हुए देखना चाहते हैं फैंस, उनका प्यार किस तरह सामने आया है। जी हाँ, फिर चाहे दोनों ही शादी को लेकर अब तक खुलकर बात ना कर रहे हो, लेकिन कैटरीना ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो सलमान का इंतज़ार कर रही है। शादी के सवालों पर अगर सलमान से राज़ी होने की बात सामने आ जाए, सलमान राज़ी होकर खुशखबरी दे दे, कैटरीना को इससे कोई एतराज़ नहीं। ऐसे में जानते हैं कि इस तरह सलमान को भी एतराज़ नहीं है कैटरीना संग शादी करने से इसका राज खुला है। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। Well, इस बार भी दबंग टूर के दौरान स्टेज पर अपने डांस परफॉर्मेंस से सभी का दिल लूटते हुए नजर आए बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान और उनकी दुल्हनिया यानी कि कैटरीना कैफ। फिल्मी पर्दे पर उनके दुल्हन रूप में नजर आने वाली कैटरीना असल जिंदगी में भी उनकी दुल्हन ही है। इस बात का सबूत तो तब मिला जब सलमान खान कैटरीना के पोस्टर पर ही प्यार लुटाते नजर आए अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है के हिट गाने दिल दिया गल्ला पर परफॉर्म करते हुए। इतना ही नहीं, अपने फिल्म बॉडीगार्ड के हिट सॉन्ग आई लव यू इस गाने पर भी परफॉर्म करते नजर आए सलमान, और वो भी कैटरीना को निहारते हुए कैटरीना को आई लव यू कहते हुए। ये देख सभी काफी ज्यादा खुश हुए, तो वहीं कैटरीना भी सलमान को अपना हम सफर अपना साथी मानती नजर आई, अपने पति के रूप का दर्जा देती नजर आई ये बताते हुए कि उन्हें पाने के बाद, जी हाँ सलमान खान को पाने के बाद उनकी जिंदगी किस तरह से सवर गई है। जी हाँ, अपनी फिल्म एक था टाइगर के गाने माशाल्लाह तुझको तो पाया है ये जहाँ इस गाने पर परफॉर्म करती हुई कैटरीना सलमान से अपना प्यार लुटा रही थी, जो एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि दोनों की हो चुकी है शादी उनके सपनों में उन्हें दिलों में। जी हाँ, दोनों ने एक दूसरे को दिल से अपना हम सफर अपना साथी स्वीकार लिया है। यही वजह है कि दोनों ही एक दूसरे पर जमकर प्यार लुटाते हैं। बता दे दबंग टूर के दौरान दोनों ने खुलकर एक दूसरे के साथ अपने खूबसूरत रिश्ते को शादी का नाम फिर से दिया है, जो कपल लीड कपल के तौर पर दबंग टूर के दौरान सबसे फेवरेट पेयर कहला गए। बता दे इस दौरान कैटरीना काफी हॉट भी नजर आए, जिनकी हॉटनेस की तारीफ अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट के जरिए। हॉटनेस का तड़का लगाने वाली कैटरीना आखिर क्यों इतने फिटनेस फ्रीक है, इसका खुलासा
इसी दबंग चूर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हुआ। जी हाँ, सलमान खान जो सबसे बड़े फिटनेस फ्रीक है, जो जेल में भी फिटनेस पर हमेशा से ध्यान देते नजर आए, रात रात भर वर्कआउट करते नजर आए थे, उनसे सीख लेने वाली कटरीना उनके साथ हर कदम पर चलने के लिए, उनके साथ फिट रहने के लिए उनकी आदत को भी अपनी जिंदगी बना चुकी है। यही वजह है कि दबंग टूर के दौरान भी विदेश में गई कटरीना जिम की तलाश में थी। सलमान ने इसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, जहां कटरीना नजरें झुकाकर काफी ज्यादा शर्मा रही थी। तो वही आपको याद दिला दे, कई ऐसा मौका भी रहा जहां कटरीना हिंदी में कहे गए शब्दों का बिल्कुल भी मतलब नहीं समझ पाई थी। तब भी सलमान खान ने उन्हें कुछ ऐसे मतलब बताया था कि वो काफी हैरान हुई थी, समझ गई थी कि सलमान उनके साथ मजाक कर रहे हैं। ये भी आप जानते हैं कि सलमान के साथ अपने रिश्ते को स्पीचलेस बताती है कटरीना, मतलब कि रिश्ते का कोई नाम नहीं हो सकता। सलमान अगर शादी नहीं करेंगे तो कटरीना अपनी जिंदगी में शादी का फैसला नहीं लेने वाली है, ये एक जग जाहिर है बात, क्योंकि सलमान के साथ हर कदम पर, हर मौके पर, हर सुख दुख की घड़ी पे कटरीना ही रहती हैं खड़ी। ऐसे में उनका साथ छोड़ कटरीना कभी भी नहीं जाने देना चाहेंगी उन्हें। बॉलीवुड की बारबी डॉल यानी कि कटरीना कैफ वैसे तो अपने फिल्मी किरदार की वजह से हमेशा ही पॉपुलर रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कटरीना कैफ जिन्हें बीवी बनाने को लेकर सलमान अपने सपने सजाए बैठे हैं, उन्होंने कटरीना की हाल ही में कितनी बुरी बेइज्जती की है। सलमान खान ने दबंग टूर के दौरान कटरीना कैफ को लेकर अपनी बातें रखते हुए ये तक कह दिया कि कटरीना काफी ज्यादा हेल्दी है, लेकिन कटरीना दबंग टूर के लिए जब आई विदेश तो वहाँ भी वो जिम ढूंढ रही थी। ये कहते हुए कटरीना की बेइज्जती कर सलमान ने सभी की होश उड़ा दिए थे, तो कटरीना भी सलमान की बातें सुनकर खिलखिलाने लगी थी, हंसी से मुस्कुराने लगी थी, और उनके शर्माने के अंदाज को देख सभी समझ गए थे कि सलमान खान के आगे कटरीना हमेशा चुप हो जाया करती है, क्योंकि सलमान की मेहरबानियां कटरीना कैफ की जिंदगी में गिनती से भी ज्यादा ऊपर है। तो ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड, जिसमें हमने आपको बताया बॉलीवुड के मोस्ट एडोरेबल क्यूटेस्ट कपल सलमान खान और कटरीना कैफ के बारे में। हमने आपको बताया किस तरह सलमान ने आई लव यू कहा है कटरीना कैफ के लिए, किस तरह कटरीना का हाथ थामे दिल दिया गल्ला पे परफॉर्म करते नजर आए सलमान खान, किस तरह कटरीना को फिट बताते हुए उनके साथ रोमांटिक फ्लर्टी अवतार में नजर आए सलमान खान। इसी के साथ हमने आपको जानकारी दी किस तरह कटरीना की तारीफ हो रही, उनकी हॉटनेस की तारीफ हो रही, आखिर क्यों कटरीना इतनी फिटनेस पर काफी ज्यादा ध्यान देती है। वेल, समझ गए होंगे आप कि सलमान जो हमेशा से ही फिटनेस गोल अचीव करने पर पड़े रहते हैं, बिल्कुल सलमान की तरह ही कटरीना है, और यही वजह है कि सलमान को कटरीना काफी ज्यादा पसंद है। जो बात करें साल 2007 की या फिर बात करें साल 2018 की, 10 सालों में भी सलमान कटरीना में कोई बदलाव नहीं आया। इतने लंबे सालों से दोनों एक दूसरे के बिना रहे हो या फिर अलग रहे हो, साथ रहे हो। कटरीना की मॉडलिंग करियर की बात करें या सलमान खान की फिल्मी करियर की बात करें, फिटनेस गोल हमेशा से ही इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होते। ये बात आप जान चुके हैं कि खुल्लम खुल्ला उनसे कह दिया गया है कि जितनी बातें सलमान कटरीना एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, उसे कई ज्यादा बातें उनके फैंस उनके बारे में जानते हैं, उनका परिवार जानता है। मतलब साफ है ये बात कि सलमान कटरीना की शादी में सबसे बड़ा हवा, सच में सबसे बड़ा हाथ अगर होगा तो वो होगा उनके फैंस की दुआओं का, और साथ में खान परिवार और कटरीना की फैमिली का। ऐसे में देखते हैं ये दुआएं कब रंग लाती है और कब जल्द से जल्द शादी के बंधन में बन जाती है ये जोड़ी। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त आ चला इस प्रोग्राम का भी यहीं पर दी एंड करने का। लेकिन हाँ, आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बीटा ऑन के साथ हर अपडेट के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।